लगातार बढ़ते तापमान और लू के खतरे के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है और लोग दोपहर की तेज धूप से बचने के उपाय कर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर भी कम ही ट्रैफिक देखा जा रहा है। महू में होने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा आगे बढ़ गया है। राहुल का 29 मई को होने वाला दौरा अब 2 जून को होगा। दरअसल 2 जून 1915 को ही बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया में बैरिस्टर की डिग्री प्रदान की गई थी। इस खास दिन का महत्व समझते हुए ही राहुल गांधी के दौरे में फेरबदल किया गया है। राहुल का ये दौरा दलित वोट बैंक को एक बार फिर से साधने की कोशिश में है। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने की कवायदों के बीच सोमवार को एयरपोर्ट पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरपोर्ट के विकास और यात्रियों की सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा स्पीकर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्थानीय अधिकारियों से भी चर्चा की और एयरपोर्ट को सर्व सुविधायुक्त बनाने पर जोर दिया। हालांकि इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के संबंध में ताई ने कहा कि इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। 2-3 ऐसी बड़ी समस्या है मगर उसको आप भी जानते हो कि सामने की जमीन थी, जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हो सकता है क्या नहीं उस पर विचार करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो रोड है अप्रोच रोड वो भी कैसे ठीक हो सकता है इस पर एक बात चली है। बाकी यहाँ जो छोटी मोटी समस्या है, इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी पर रहने वाले दो प्रेमियों ने जहर खाकर जान दे दी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन जाति अलग होने से दोनों की परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर दोनों ने जहर खा लिया जिन्हें उपचार के लिए अम्बा अस्पताल लाया गया जहाँ कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कनाडिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। इंदौर में एक बार फिर नकली पुलिस सक्रिय हो गई है। नकली पुलिस बनकर बदमाशों ने एक बार फिर एक महिला को निशाना बनाया है। बलासिया थाना क्षेत्र के साकेत में रहने वाली महिला अपने घर से निकलकर पत्रकार चौराहे तक पहुंची थी जहां बाइक सवार दो बदमाश उनके पास पहुंचे और आगे एक वारदात होने के बाद कहकर महिला से 4 सोने की चूड़ियां एक रुमाल में रखवा ली। इसके बाद महिला ने घर आकर रुमाल देखा तो उसमें सोने की नकली चूड़ियां मिली। महिला ने इसकी शिकायत बलासिया पुलिस को की है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने की बात कर रही है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक युवक संदीप ने पिता के इलाज के लिए कुछ लोगों से ब्याज पर रुपए लिए थे। इलाज के बाद पिता की हालत ठीक हो गई लेकिन ब्याज चुकाते चुकाते संदीप परेशान हो गया। ब्याज के लिए सूदखोर उसे परेशान करने लगे। एरोड्रम पुलिस ने मर्द कायम कर जांच की। इंदौर के राबजी बाजार में रुपए निछावर करने की बात पर हुई हत्या में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। राबजी बाजार पुलिस ने लाला का बगीचा में रहने वाले दुकान सनम को हिरासत में लिया है। सनम ने अपने साथी शाकिर आबिद जाकिर और नासिर के साथ मिलकर इरशाद की हत्या कर दी थी। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जूनी इंदौर में 3 साल की एक बच्ची अपने घर की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। हादसे में बच्ची का सिर फट गया। परिजन जब बच्ची को लेकर अम्बा अस्पताल पहुंचे तो वह रात भर फटा सर लेकर मासूम पड़ी थी। खून बहता रहा लेकिन दूसरे दिन परिजनों को अस्पताल से ये कहकर लौटा दिया गया कि न्यूरो सर्जन 15 दिनों की छुट्टी पर है, सर्जरी नहीं हो सकती। असहाय परिजन रुपए नहीं होने के बावजूद बच्ची को निजी अस्पताल ले गए जहाँ कुछ लोगों ने मदद की जिसके बाद बच्ची की सर्जरी हो गई। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है।